भूपेश बघेल के लिए छत्तीसगढ़िया मान सम्मान और गौरव सिर्फ बातों में ही है। बात है अभिमान के, छत्तीसगढ़िया स्वाभिमान के। छत्तीसगढ़ में जब से कांग्रेस की सरकार बनी है और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बने हैं, इसी नारे के साथ आगे बढ़ रहे हैं, खूब प्रचारित भी कर रहे हैं, प्रचार भी ठीक ढंग से हो रहा है। बीजेपी के पास इसका कोई विकल्प नहीं दिख रहा था, लेकिन अचानक बीजेपी छत्तीसगढ़ियावाद को लेकर जाग गई है, या यूं कहें नींद से उठ गई है। बीजेपी की नींद टूट गई है। आखिर ये कैसे हुआ, आज इसी पर बात होगी। नमस्कार, मैं हूं ज्ञानेंद्र तिवारी और आप देख रहे हैं अनकट। सबसे पहले उस कहानी की चर्चा जिसकी वजह से बीजेपी, सोती हुई बीजेपी अचानक उठ खड़ी हो गई है, जाग गई है, और पहली बार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और कांग्रेस को छत्तीसगढ़ियावाद का पाठ पढ़ा रही है। दरअसल इसकी शुरुआत कैसे हुई, पहले आप उसे जान लीजिए, फिर उसके बाद चर्चा आगे बढ़ाते हैं। मैं हमेशा कहता हूं कि चर्चा उसी बात की करनी चाहिए जिसकी चर्चा बाजार में, प्रदेश में, राजनीतिक गलियारों में, अफसरों के बीच में, हमारे आपके बीच में होती रहे। इन दिनों जो चर्चा हो रही है उसी पर आज हम बात करेंगे। आपको याद होगा छत्तीसगढ़ से दो राज्यसभा की सीट खाली हुई थी, जिसके बाद उस सीट पर नाम आया है राजीव शुक्ला का और रंजीत रंजन का। दोनों ही प्रत्याशी बाहर के हैं, दोनों ही उम्मीदवार छत्तीसगढ़ के नहीं हैं, लेकिन कांग्रेस से हैं। अब इसी पर सियासत शुरू हुई, और सियासत जब शुरू हुई तो ऐसे शुरू हुई कि अब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और छत्तीसगढ़ कांग्रेस के सबसे बड़े हथियार पर अटैक कर रहा है। कैसे कर रहा है समझिए। जैसे ही इन नामों का ऐलान हुआ, डॉक्टर रमन सिंह का बयान आ गया। उन्होंने कह दिया, एक उत्तर प्रदेश से और एक बिहार से ऐसे लोगों को भेजा जा रहा है छत्तीसगढ़ से राज्यसभा, जिनका छत्तीसगढ़ के लोगों से कोई लेना देना नहीं। छत्तीसगढ़ महतारी की चिंता करने लगे डॉक्टर रमन सिंह। रमन सिंह ये कहने लगे, बोरेबासी का आयोजन भूपेश बघेल ने भी कुछ दिन पहले किया था, छत्तीसगढ़ सरकार ने उत्सव की तरह मनाया था, मजदूर दिवस के दिन बोरेबासी खाया था, गोधन न्याय योजना है, इसी के सहारे वो पूरे छत्तीसगढ़ियावाद को लेकर जितने भूपेश बघेल काम कर रहे हैं उस पर रमन सिंह ने निशाना साधा। पहले तो उन्होंने कहा कि ये छत्तीसगढ़ महतारी की चिंता नहीं कर रहे हैं, ये बिल्कुल चिंतित नहीं है, केवल करनी और कथनी में इनके अंतर है। फिर कह दिया कि बाकी लोग बोरेबासी खाओ, गोबर बेचो, इस तरह की बात। सबसे पहले सुनिए डॉक्टर रमन सिंह ने दो नाम के ऐलान होने के बाद किस तरह से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की एक बड़ी मुहिम पर हमला बोला, जिसको लेकर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और पूरी कांग्रेस चुनाव में जाने वाली थी, उस छत्तीसगढ़ियावाद पर पहली बार बीजेपी ने बड़ा हमला बोला है। पहले डॉक्टर रमन सिंह का ये बयान सुनिए। बिहार वालों को भेजकर छत्तीसगढ़ महतारी का अपमान किया है। भूपेश बघेल के लिए छत्तीसगढ़िया मान सम्मान और गौरव सिर्फ बातों में ही है। जब नेतृत्व देने की बात आती है तो इधर उधर के राज्यों से नेता आउटसोर्स किए जाते हैं। ऐसा लगता है छत्तीसगढ़ कांग्रेस में कोई योग्य नेता नहीं है जो राज्यसभा जा सके, या छत्तीसगढ़िया भाई बहनों के साथ छल और धोखा है। अब तो ऐसा लगने लगा है कि छत्तीसगढ़िया गोबर भी नहीं, परदेशिया राज्यसभा जाही, बाकी सब छत्तीसगढ़ के कांग्रेसी मन बोरे बासे खाही। सुन लिया आपने, छत्तीसगढ़ महतारी का अपमान बता रहे हैं। अब एक और नेता है जो जमीन पर दिखे ना दिखे, ट्विटर में हर दिन दिखते हैं, सुबह उठने के साथ उनके दो तीन ट्वीट जरूर आ जाते हैं, और वो कहते हैं छत्तीसगढ़ कांग्रेस मुख्यमंत्री, मतलब वो भूपेश बघेल पर तंज कसते हैं। अजय चंद्राकर की बात कर रहा हूं मैं। बड़े तेज तर्रार नेता हैं, आक्रामक नेता हैं, विधानसभा के अंदर बहुत आक्रामक दिखाई देते हैं, बाहर पता नहीं सरकार के लोगों से कैसे रिश्ते हैं। अब ये मुझे थोड़ी पता है, मैं नहीं जाता हूँ, नहीं देख पाता हूँ, मेरे अच्छे ताल्लुकात हैं लेकिन अंदर की बात मैं नहीं पूछता हूँ। अजय चंद्राकर ने क्या लिखा, पहले तो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष से इस्तीफा मांग लिया है इन्होंने। फिर लिखा है कि माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ कांग्रेस शासित, छत्तीसगढ़ में जितने लोग कांग्रेस में हैं, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़िया, छत्तीसगढ़ी शब्द का इस्तेमाल बंद कीजिए। मतलब इनकी माने, अजय चंद्राकर की अगर मान लें, तो छत्तीसगढ़ में रहने वाले छत्तीसगढ़ी लोग जो कांग्रेस में हैं वो सब कुछ छोड़ दें, सब कुछ छोड़ दें, पार्टी छोड़ दें, छत्तीसगढ़िया बोलना बंद कर दें, छत्तीसगढ़ी बोलना बंद कर दें, शब्द का इस्तेमाल तक बंद कर दें। अजय चंद्राकर इतने आक्रामक हो गए हैं, और ये लगते हैं कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सहित आप इस्तीफा दे दीजिए।
ये सब लिखने से पहले इनको याद होना चाहिए कि बीजेपी की लिस्ट आई है, उसमें भी बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो दूसरे राज्यों से राज्यसभा जा रहे हैं, लेकिन चूंकि ये कांग्रेस है और आप जानते हैं कि कांग्रेस में सबसे बड़ा दावा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का या सबसे बड़ा प्रचार यही है कि ये छत्तीसगढ़ी माटी पुत्र हैं, किसान नेता हैं, छत्तीसगढ़िया वाद को, छत्तीसगढ़िया संस्कृति को प्रमोट कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं। दरअसल दोनों ही पार्टियों का अपना मसला है, किसी को भी राज्यसभा भेजें, हमें उससे क्या लेना देना। इसलिए भी लेना देना नहीं है कि पार्टी फैसला करती है, हाईकमान फैसला करते हैं क्या सिनेरियो होता है राष्ट्रीय स्तर पर, वो क्या सोच रखते हैं, किस तरह की आवाज रखना चाहते हैं, किस तरह से बात रखना चाहते हैं, राज्यसभा के अंदर अपनी आवाज किस तरह से रखना चाहते हैं और कैसे मैसेज देना चाहते हैं, ये पार्टी का मसला है। लेकिन छत्तीसगढ़ में चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि छत्तीसगढ़िया सरकार और छत्तीसगढ़िया वाद, छत्तीसगढ़िया संस्कृति, छत्तीसगढ़ी को लेकर कांग्रेस और सीएम भूपेश बघेल सबसे ज्यादा आक्रामक थे छत्तीसगढ़ में। और यकीन मानिए पिछले 3 साल का जो मेरा अनुभव है, इसकी कोई काट बीजेपी के पास तो नहीं थी, कोई भी ऐसा नेता नहीं था बीजेपी का जो ये कह सके कि हम इसका काउंटर कर रहे हैं। धान समर्थन मूल्य और उसके बाद गोबर गोधन न्याय योजना, फिर आत्मानंद, और ये सब तो सरकार की योजनाएं हैं और ये सरकार को करना ही होगा। इतना बड़ा मैंडेट अगर जनता ने दिया है तो ये आपको काम करने के लिए दिया है, कुछ अलग करने के लिए दिया है, ये आप कर कोई एहसान नहीं कर रहे हैं, आपकी ड्यूटी है, आपको करना ही होगा। लेकिन अंदर की कहानी ये है कि राज्यसभा जिसको जाना था वो आ गए, नामांकन दाखिल कर लिए, निकल भी लेंगे और फिर राज्यसभा पहुंचेंगे। अब छत्तीसगढ़ की कितनी आवाज बुलंद करते हैं ये तो वक्त बताएगा, लेकिन बीजेपी को जो मौका मिला है मैं उस पर बात कर रहा हूँ। मोला भी छत्तीसगढ़िया नहीं आते, मैं जन्मे छत्तीसगढ़ में हूँ लेकिन मोला छत्तीसगढ़ नहीं आते। तो छत्तीसगढ़िया बोले बार जब नहीं आते तो जब मैं सरकार के हाव भाव देखूँ पिछले 3 साल के, तो मोला लगी इसकी भाई कुछ दिन बाद कहूँ मैंडेटरी ना कर दे छत्तीसगढ़ी सरकार कि तो छत्तीसगढ़ में ही गुठिया एक पड़ी। रवि मैं गलत तो नहीं हूँ, ठीक जाता हूँ? ये रवि मेरी हमारे सहयोगी हैं, दुर्गेश कैमरे के पीछे हैं, इनसे मैं कहता हूँ कि तुम लोग आपस में छत्तीसगढ़ी बात करो, तो जब आप लोग बात करेंगे तो मैं भी सीखूंगा। तो मोला नहीं आता रही, लेकिन मोला लगी सही से, आप मन भी माफ करवो अगर गलती है पूरा छत्तीसगढ़िया, तो मोला नहीं आता रही, लेकिन मैं कोशिश करता रहूँ क्योंकि सरकार के क्रियाकलाप 3 साल के ऐसा रहीस कि ऐसा समझ में आता रहीस कि आने वाले समय में छत्तीसगढ़िया गुठियाए वर अगर नहीं जन्मेते हैं तो यहाँ रह मुश्किल हो जाए। अब ये में बड़ा भारी सेंध लगा दिए है कांग्रेस आला कमान के फैसला है। भूपेश बघेल अब तक कुछ नहीं बोल रहे हैं। आज उन्होंने जब उनसे पत्रकारों ने सवाल किया, हमारे सहयोगी रवि मीरे ने ही कहा कि बीजेपी कह रही है कि आप तो बाहरी हैं, आपके प्रत्याशी तो परदेसियां हैं। भारतीय जनता पार्टी की नीति अलग अलग जगह अलग अलग होती है। अभी उत्तर प्रदेश में आज ही 7वें प्रत्याशी के रूप में आंध्र प्रदेश या तेलंगाना के व्यक्ति को उन्होंने कैंडिडेट बनाया है, तो यहाँ उनके अलग नजरिया है, उत्तर प्रदेश में उनके अलग नजरिया है। भूपेश बघेल के बयान में एक दर्द था, उस दर्द के बारे में मैं आपको बताता हूँ। वो कह रहे थे कि हाँ कुछ लोग थे जिनकी उम्मीद थी, कोई बात नहीं इस बार नहीं तो अगली बार। राष्ट्रीय नेतृत्व का जो फैसला था मुख्यमंत्री उसके साथ थे, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का पूरा मंत्रिमंडल साथ था, विधायक साथ थे। और आज एक कांग्रेस के नेता ने मुझसे हंसी में एक बात और कही, उन्होंने कहा कि ये जो दो लोग आए हैं उत्तर प्रदेश और बिहार से, राजीव शुक्ला और रंजीत रंजन, इन्होंने इतने थोक में विधायक 10-15 साल पहले देखा होगा अपने राज्यों में, क्योंकि बाकी जिस राज्य से आए वहाँ कांग्रेस इतनी मजबूत स्थिति में है ही नहीं, यहाँ तो 71 है। इधर देखे आप विधायक, इधर देखे मैं भी विधायक, सामने देखे विधायक, पीछे देखे विधायक, विधायकों का जत्था पहुंचा था स्वागत करने के लिए विधानसभा में। तो जो कांग्रेस के नेता थे वो चुटकी ले रहे थे कि बताइए किस्मत देखिए इनकी कि कहाँ से आए हैं, अब यहाँ आए हैं तो अगल बगल ऊपर नीचे दाएं बाएं जहाँ देख रहे हैं विधायक ही विधायक है। खैर मुद्दे पर आते हैं, अजय चंद्राकर तक मैं आपको आपको लेकर पहुँचा था, अब मैं आपको सुनाता हूँ। अजीत जोगी, स्वर्गीय अजीत जोगी के बेटे अमित जोगी, अमित जोगी तो 2 कदम आगे बढ़ गए और उनका एक मीम है, दरअसल जब मैं बात कर रहा हूँ तो बगल में मीम भी आप देखते रहिए। उन्होंने सीधे लिख दिया, कांग्रेसी विधायकों को बाहरी प्रत्याशियों को वोट नहीं देने की अपील कर दी पहले तो, उसके बाद लिखा कि छत्तीसगढ़ की दोनों राज्यसभा सीटों पर बाहरी प्रत्याशियों को थोपना कांग्रेस की जय हो हाई कमान, भाड़ में जाए छत्तीसगढ़ की मान, छत्तीसगढ़ का मान कि
कि दूसरी सोच का परिणाम है। कांग्रेस आलाकमान ने छत्तीसगढ़ के योग्य कांग्रेसी नेताओं को मौका न देकर उन्हें नीचा दिखाया है और छत्तीसगढ़ का अपमान किया है। ये भी चिंता कर रहे हैं। ये चिंता इस बात की नहीं कर रहे हैं कि कांग्रेस के विधायक वोट दें, कांग्रेस के साथ अन्याय हुआ है। इनको भी मौका मिल गया है कांग्रेस और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के सबसे बड़े मुहिम छत्तीसगढ़ियावाद पर अटैक करने का। याद रखिएगा, ये लिख रहे हैं कि जय हो हाईकमान, फाड़ में जाए छत्तीसगढ़ का मान। मतलब छत्तीसगढ़ी, छत्तीसगढ़ी, छत्तीसगढ़ियावाद और छत्तीसगढ़ी को लेकर चाहे वो जनता कांग्रेस हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो दूसरे दल के नेता हो, ये सब अटैक कर रहे हैं। और आरपी सिंह हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, कोई भी जब इस तरह से उनकी पार्टी पर अटैक करता है तो सबसे पहले वो कूद पड़ते हैं। लेकिन वो भी इसमें एक ही बार कूदे थे, दोबारा नहीं कूद रहे हैं। उनको भी लग रहा है जितनी बार कूदूंगा हो सकता है कोई और आ जाए और फिर उसके बाद मेरा कूदना फांदना थोड़ा कम हो जाए, इसलिए एक बार आए। उन्होंने भी ट्वीट किया, सफाई दी कि बीजेपी अपनी लिस्ट देख ले, अब कितना कूदे, बाकी लोग तो कूद नहीं पा रहे हैं। राष्ट्रीय नेतृत्व का जो फैसला है उस फैसले का सम्मान करना पड़ रहा है, तो सम्मान करते हुए और यूं कहिए दर्द का घूंट पीते हुए कांग्रेस के लोग इसे बर्दाश्त कर रहे हैं। कांग्रेस के बहुत सारे ऐसे नेता हैं, बहुत सारे ऐसे कर्मठ कार्यकर्ता हैं जिनके लिए ये कहा जा रहा था कि वो राज्यसभा जा रहे हैं। मैं नाम भी जानता हूँ, अंदर की कहानी भी जानता हूँ और कुछ कुछ के अंदर के दिल का दर्द भी सुन चुका हूँ। फ़ोन करके उन्होंने मुझसे बतियाया है, मुझसे कहा है कि बहुत आहत हूँ, बहुत परेशान हूँ। बताइए, जिस तरह से पवन खेड़ा कह रहे हैं कि हो सकता है मेरी तपस्या में कुछ कमी रह गई हो, ऐसे छत्तीसगढ़ में बहुत सारे नेता हैं जो कह रहे हैं कि बताइए हमारी तपस्या में कमी रह गई होगी, या तो हो सकता है 71 सीट है राष्ट्रीय संगठन को लग रहा होगा, यहाँ तो दोबारा 72 आना ही है, लेकिन ऐसा है नहीं। बहुतों का दर्द है। अब मैं नाम लूंगा तो दो चार नाम छूट जाएंगे तो वो बुरा मान जाएंगे कि हमारा नाम क्यों नहीं लिया, रेस में तो हम भी थे। वैसे एक बात आपको बता दूं कि आज जब विधानसभा में नामांकन करने पहुंचे थे दोनों नेता उत्तर प्रदेश और बिहार के, तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ बहुत से ऐसे चेहरे थे जो खुद भी रेस में थे, वो भी पहुंचे थे, बहुत सक्रिय थे। वो दिखा रहे थे राजेश शुक्ला और रंजीत रंजन को कि देखिए हम कितने दिल से, कितने प्यार से और कितनी जिम्मेदारी से आपके साथ हैं। दिल पर बड़ा बड़ा बुलडोजर वाला पत्थर रख के, बड़ा बड़ा पत्थर रख के एकदम साथ थे। और सबसे ज़्यादा सक्रिय वही दिखाई दे रहे थे जिनका नाम इस रेस में बहुत आगे चल रहा था, जिन्होंने बहुत मेहनत की थी, जिन्होंने बहुत फील्डिंग की थी। नाम किसी का नहीं लूंगा, उनके दर्द के साथ मैं भी हूँ। निष्कर्ष ये है, आज की बातचीत का निष्कर्ष ये है कि पूरी कांग्रेस और सीएम भूपेश बघेल, पूरे मंत्रिमंडल जो 3 साल से एक कोशिश में लगे हुए थे जिसका तोड़ बीजेपी के पास और अन्य विपक्षी दलों के पास नहीं था, यानी छत्तीसगढ़ी, छत्तीसगढ़ियावाद और छत्तीसगढ़ी संस्कृति को आगे बढ़ाने वाले मुख्यमंत्री के तौर पर भूपेश बघेल उभर चुके थे, अपनी पहचान बना चुके थे और अपना मजबूत दावा पेश कर चुके थे। उस दावे पर राष्ट्रीय कांग्रेस, राष्ट्रीय नेतृत्व के द्वारा एक लिए गए फैसले से बहुत बड़ा आघात पहुंचा है और बहुत बड़ा हमला बोला है बीजेपी और दूसरे विपक्षी दलों ने। ये बात कह सकते हैं आप कि राज्यसभा की सीटें हैं और राज्यसभा की सीट में ये हो सकता है कि ऊपर के नेता जाएं, जाते रहें। मैं कह रहा हूँ ये नई बात नहीं है, लेकिन ये छत्तीसगढ़ के लिहाज से एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल डेंट है जिसे सुधारने के लिए कांग्रेस को, सीएम भूपेश बघेल को, पूरे संगठन को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होगी, क्योंकि छत्तीसगढ़ियावाद का जो घूंटी लेकर आप जनता के बीच जा रहे थे, अब जैसे ही आप जाएंगे वैसे बीजेपी कहेगी। जब चिंता करने लगे हैं छत्तीसगढ़ी महतारी की रमन सिंह, 3 बार के मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह और अजय चंद्राकर कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ी का जिक्र करना बंद कर दें, तो आप समझिए कि ये बात कहाँ तक जाएगी और क्या मैसेज लेकर आएगी। मेरा मकसद कौन राज्यसभा में गया ये बताना नहीं था, मेरा मकसद ये बताना था कि छत्तीसगढ़ में 2 बाहर के लोगों के राज्यसभा जाने के बाद क्या सियासी समीकरण बन रहे हैं। इसी तरह से अनकट कहानी अनकट में मैं आपके बीच लेकर आता रहूँगा, आप सुनते रहिएगा। बोर होंगे, खराब लगेगा तो फ़ोन करके डांट भी दीजिएगा। नमस्कार।